और दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। ऐसे में हीट स्ट्रोक से इंसान ही नहीं चिड़ियाघर के पशु पक्षी भी बेहाल है। जंगल का राजा शेर भी तपती गर्मी से बेहाल हो चुका है और यही वजह है कि अब वो अपने केव में जा करके आराम कर रहा है। आपके सामने है ये दिल्ली के जू में शेर है जो कि 49.9 डिग्री सेल्सियस में इतनी तपती गर्मी में गर्मी से बेहाल हो चुका है। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को ठंडक के लिए पानी के पर्याप्त इंतजाम किए हैं, लेकिन सारे इंतजाम फेल हैं। चिड़ियाघर में जहां भी नजर डालिए जानवर बेसुध दिख रहे हैं। आसमान की ऊंचाई मापने वाले पक्षी ज्यादा धूप पड़ने से उड़ नहीं पा रहे। जानकारों की माने तो इन्हें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो रही है। हालांकि ज्यादातर लोग पक्षियों को पानी पिलाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन में पानी रखते हैं, जिससे पानी गर्म हो जाते हैं और पक्षी इस पानी को पीकर भी बीमार हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि पंछी अपना एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इनको पसीना नहीं आता, तो जिसकी वजह से ये जब भी सांस लेते हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ये मुंह खोल के सांस लेने लग जाते हैं। और ये इतना कभी कभी इनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाँफते मतलब इतने जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करते करते क्लैप्स कर जाते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की सामरिक ताकत और बढ़ी है। कल देश ने हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट से सुखोई-30 लड़ाकू विमान के जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रम 2 के सफल परीक्षण पर DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण ने सशस्त्र बलों के लिए रुद्रम 2 प्रणाली की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने सफल उड़ान परीक्षण में योगदान के लिए सभी संबंधित लोगों की सराहना की। रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित हवा से मार की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कई अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को मिसाइल प्रणाली में शामिल किया गया है।